हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राइट स्टफ। तो इसमें इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉप 500 एमसीक्यूज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। तो इसमें सारे चैप्टर से लगभग 50 से 60 एमसीक्यू होंगे, ठीक है। इसमें आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी एमसीक्यू होंगे और ये 4 से 5 दिन में आपको पूरा अपलोड कर दिया जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला सीरीज़। और इसमें जो लेक्चर है, जो भी एम सी क्यूज हैं, वो पहले बेसिक लेवल के हैं और धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ किया गया है। और सारे कॉन्सेप्ट जो आप एक वीडियो लेक्चर में पढ़ते हो, वो आपको एम सी क्यू के फॉर्म में यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, यहाँ टेम्परेचर की डेफिनेशन से लिया हुआ है। तो मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। बेसिक जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है टेम्परेचर की, वो डेफिनेशन ये है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। तो आप ये डेफिनेशन बेसिक बुक में भी लिखी हुई है, तो आप इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट जीरो ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू, तो यहाँ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे होता है वो जीरो होता है, ठीक है। जीरो डिग्री वो केल्विन स्केल पे जीरो होता है। यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर दिए हैं, फॉरेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल पे, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फॉरेनहाइट स्केल पे -459। इसका मतलब ये है कि इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, जीरो केल्विन से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। हालांकि जीरो केल्विन पे ही पहुंचना बहुत बड़ी बात है, ये इम्पॉसिबल है। तो ये है जीरो केल्विन, और अगर आपको सेल्सियस स्केल पे पूछा जाए तो -273 एक्चुअल जो वैल्यू होती है 273.15 होती है, और कई बुक्स में ये 1.16, दोनों में से एक ही देगा। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो आप ये लिख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन फॉरेनहाइट स्केल इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट डिवाइड इन टू। तो जो लोअर पॉइंट होता है, बेसिकली जो एक स्टैंडर्ड है लोअर पॉइंट हम जो लेते हैं, वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं, ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे अपर स्केल, चाहे कोई भी स्केल हम लें, चाहे फॉरेनहाइट की बात करें, रीमन स्केल की बात करें, सब पे क्या करते हैं, जो लोअर पॉइंट फिक्स करते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड हायर पॉइंट जो फिक्स करते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉरेनहाइट स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट है 212। तो जब इनके बीच का हम डिफरेंस लेंगे, ये डिग्री है, ठीक है, जब 212 - 32 करेंगे तो ये 180 आएगा। तो इसके बीच में हमको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, 180 इक्वल पार्ट में। तो फॉरेनहाइट स्केल पे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 180 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें, तो ये क्या 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 100, तो 100 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेल्सियस इन केल्विन। तो जैसे कि अभी पिछली बार ही बताए थे, ये आप -273 ना लगा दीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है तो वो कितनी होती है, 273.15, और कई जगह ये 273.16। तो जब भी आंसर ऑप्शंस दिए जाएंगे, या तो आपको ये देगा या तो ये देगा, एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूछे। और ऐसे नॉर्मल हम यूज़ क्या करते हैं, 273। इसके बीच जो रिलेशन है वो आगे क्वेश्चन में सब डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये आप सबको आंसर पहले से याद रहता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, एट वॉट टेम्परेचर फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस यूनिट इंडिकेट सेम टेम्परेचर। तो ये इसका आंसर -40 डिग्री सबको याद रहता है। तो ये रिलेशन आपको याद करनी है फॉरेनहाइट और सेल्सियस में। अब इस रिलेशन को आप बेटर कैसे याद कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू, ये क्या है, 1.8 सी प्लस 32, ठीक है। अब अगर आपको इक्वल टेम्परेचर निकालना है कि किस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल है, तो दोनों को एक्स मान लो, क्योंकि दोनों इक्वल कर दिया आपने इस रिलेशन में, तो वो इक्वल टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, इसको इधर माइनस करेंगे तो -0.2 x इज इक्वल टू 32, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूले से प्रूफ भी मिल गया।
और ये रीमन स्केल पे ये आपका जो है रिलेशन होता है, कोई भी टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए आप ये याद कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कन्वर्जन पूछे आप, अगर सेल्सियस का देखें तो सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, तो ये रिलेशन होता है, तो ये आपको किसी भी कन्वर्जन में आप यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद जो हम थर्मोमीटर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल। तो अगेन ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, फ्रीजिंग पॉइंट फॉरेनहाइट स्केल पे लोअर स्केल क्या होती है 32, और सेल्सियस पे क्या होती है 0 डिग्री। अपर स्केल यानी बॉइलिंग क्या होती है 100 डिग्री, और 212 होती है फॉरेनहाइट स्केल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 सेल्सियस पे 0 होता है और फॉरेनहाइट स्केल पे 32, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा 0 और 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर इज, तो बॉडी टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं जनरली जो हम इंडिकेट करता है थर्मामीटर में, जो कि हमको पता है कि 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, तो वो होता है फॉरेनहाइट स्केल पर। इतना अगर सेल्सियस स्केल पे हो तो बॉयल कर जाए, क्योंकि आप देख जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो आप 98.6 पॉइंट को डिग्री सेंटीग्रेड में बोलना, ये फॉरेनहाइट स्केल होता है, तो ये आपको याद करना। और सेल्सियस स्केल पे ये नेक्स्ट में नेक्स्ट देखते हैं, तो सेल्सियस स्केल पे ये कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस स्केल पे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, जबकि फॉरेनहाइट स्केल पे ये दोनों सेम वैल्यू इंडिकेट कर रहे हैं 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। तो वैसे डिग्री बोलते हैं बट एक्चुअल अगर बोला जाए, जैसे बोलते हैं कि 101 फीवर था, ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस ना बोल लीजिएगा आप, डिग्री ही बोलते हैं जनरली, तो ये फॉरेनहाइट स्केल पे होता है। तो अगर हमको और इसको करेक्ट बोलना हो तो क्या बोलेंगे, 101 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन, आपको ये याद रखना है, केल्विन एसआई यूनिट टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे आप यहाँ से एसआई यूनिट आपने पढ़ा केल्विन होती है, लेकिन अगर एग्जाम में आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप केल्विन लगा के चले जाओगे, तो ये इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा। टू मेजर टेम्परेचर साइंटिस्ट यूज यूनिट, तो यहाँ पे आप केल्विन ना लगा देना, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है केल्विन, लेकिन जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इस आंसर को याद रखना, आप केल्विन ना लगा देना, ये एसआई यूनिट होती है, लेकिन जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करते हैं। विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, तो थर्मोडाइनमिक्स का जो फर्स्ट जीरोथ लॉ होता है वो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए पे बेस होता है। अब ये बहुत ही कॉमन सेंस बेस लॉ होता है, ये अगर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन ये लॉ बेसिकली ये है कि अगर ए इक्विलिब्रियम में है बी के, मतलब कि ए का टेम्परेचर अगर बी के बराबर है, बी का टेम्परेचर सी के बराबर है, तो ए का टेम्परेचर सी के बराबर होगा, ये लॉ है, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट है, आप कहीं भी बुक में पढ़ोगे ये लॉ का स्टेटमेंट है। और इक्विलिब्रियम के फॉर्म में क्या बोलते हैं कि ए और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ये कॉमन सेंस बेस्ड है, लेकिन आपको अगर ये कहीं पूछा जाए एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है, दूसरा अगर स्टेटमेंट दिया हो तो भी आप यहाँ से ये आप स्टेटमेंट याद कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जैसे कि आप जानते हैं कि इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, मतलब जो अगर हम हीट किसी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं तो पहले उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, फिर उस पर वर्क डन होता है, और ये टोटल एनर्जी, और इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ होता है बेसिकली इंट्रोपी पे बेस्ड, और इसको अगर लेमन लैंग्वेज में देखें तो कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं बनाई जा सकती, ये क्या है सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट। और इसमें अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडाइनिक्स पढ़ाई जाती है तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, क्लासियस क्लॉपलन इक्वेशंस, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। तो बेसिकली कोई भी जो मशीन होती है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, तो ये आप जब सिंपल मशीन्स एंड लेवर पढ़ेंगे उसमें भी यही होता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो
एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज प्रैक्टिकली 100% पॉसिबल नहीं होता, ये क्वेश्चन भी आया हुआ। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेस है, ठीक है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर मेजरमेंट। अब जो हमारे सारे एमसीक्यू होंगे वो थर्मोमीटर पे बेस होंगे। तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर का यहाँ पे आपको एक चार्ट दे दिया है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लो और हम क्वेश्चन के फॉर्म में बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपको बताते हैं, आगे वीडियो में बताते रहेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से थर्मामीटर स्टार्ट होने जा रहा है। वॉट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली थर्मोमीटर। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए थर्मोमीटर रिफर्स टू, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ थर्मोमीटर ये होता है कि वो कितने जल्दी टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब वो टेम्परेचर को इंडिकेट कर दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ क्विकली द थर्मोमीटर कैन रजिस्टर द चेंज इन टेम्परेचर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी थर्मोमीटर का जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है वो ये होता है कि वो कितनी जल्दी टेम्परेचर को इंडिकेट कर दे रहा है, चाहे वो थर्मोकपल हो चाहे वो पायरोमीटर हो। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस किसकी होती है, थर्मोकपल की। ये सारी चीज़ें आगे वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल और बॉडी विच इज टेकन एज एन इंडिकेशन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिसके जो जब कोई हम मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, तो उसका एक करेक्टरिस्टिक होता है, या तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, या तो वो एक्सपेंड कर जाता है, या फिर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, या फिर क्या होता है प्रेशर चेंज होता है। तो इन सारी ये सारे डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर से, जिनको कि कैलिब्रेट किया जाता है और फिर वो टेम्परेचर इंडिकेट करते हैं। कुछ में डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे इंडिकेट होता है वो डिस्प्लेसमेंट, जैसे बॉड इन ट्यूब होता है वो क्या करता है प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ये क्वेश्चन भी आपको आगे मिल जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर्स के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। अब आइडियल गैस का इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी जानते होंगे, जिसमें एन आर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स, तो ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं। अब अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है तो वी कॉन्स्टेंट होगा, तो यहाँ से P इज, ये तीनों सारे कांस्टेंट होंगे, तो P का रिलेशन किससे आ गया, टेम्परेचर से। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या होगा, प्रेशर किससे वेरी करेगा, टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रेशर। इसी तरह PV इज इक्वल टू NRT में अगर एक बार हम क्या करें, P कांस्टेंट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। तो यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर किसके साथ वेरी करेगा, वॉल्यूम के साथ। तो जब भी आपको पूछे कि कांस्टेंट वॉल्यूम में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम, आप ये आइडियल गैस का इक्वेशन लगाना यहाँ पे, इसको आप इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो, पी वी इज इक्वल टू टी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इसको आप अभी हटा सकते हो इसको याद करने के लिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो होती है रेजिस्टेंस। थर्मोकपल में क्या होता है, थर्मल ईएमएफ। ये सारी चीज़ें आगे क्वेश्चन के फॉर्म में दी गई हैं, तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर क्या होता है, लेंथ। इसमें जो लेंथ होती है, जो क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है मर्करी में, ठीक है, बेसिकली इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपेंड करता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं। तो एवरी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेक्स यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इन ऑर्डर टू मेजर टेम्परेचर ऑब्जेक्टिवली, विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज यूज बाई मर्करी ग्लास थर्मोमीटर। तो मर्करी ग्लास थर्मोमीटर में कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज होती है, तो वो होती है वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ लिक्विड। जो वॉल्यूम होता है मर्करी का वो फिक्स होता है, सॉरी मास फिक्स होता है, तो ये डिफरेंट टेम्परेचर में क्या करती है, एक्सपेंड करना शुरू करती है। जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो ये एक्सपेंड करती है, और टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये क्या कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ये -40 डिग्री पे भी क्या होती है, लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो इसलिए हम इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि
इसको इंजेक्ट करना आसान होता है क्योंकि ये -40 डिग्री तक लिक्विड पे रहती है, इसलिए हम मर्करी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका रेंज पूछा हुआ है कि -6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सा ये जो बल्ब थर्मामीटर होता है, स्टील बल्ब थर्मामीटर, उसमें कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं। तो उसमें हम यूज़ करते हैं मर्करी, क्योंकि मर्करी -40 डिग्री से जो 6700 डिग्री टेम्परेचर तक के लिए यूज़ करते हैं, ये रेंज होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मर्करी। अब एक ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट इन लिक्विड एक्सपेंशन सिस्टम। तो इसमें हम इस ये आंसर आपको याद करना पड़ेगा, आप अगर कभी इसके बारे में नहीं पढ़े हो तो। ये क्या होता है, बोर्डन ट्यूब। इसका बेसिकली क्या काम क्या होता है, ये प्रेशर को कन्वर्ट करता है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट में, आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर होता है तो उसमें थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रेशर। तो उसमें ये यूज़ होता है जो एज ए डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर्स ऐसे इंडिकेट हुए रहते हैं। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो यहाँ पे ये इसका जो प्रेशर होता है वो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये निडिल ऊपर जाती है और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इंडिकेट करती है, और जब प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ कर जाए, तो वो लो टेम्परेचर इंडिकेट करते हैं। तो बोर्डन ट्यूब का क्या काम होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है, और ये इसका जो और ये जो आंसर है वो बोर्डन ट्यूब। विच ऑफ दीज थर्मामीटर इज पोर्टेबल एज वेल एज सिंपल टू यूज़। तो इसका आंसर क्या होगा, मर्करी एंड ग्लास थर्मामीटर, बाकी सब पोर्टेबल नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम। अब ये जो तीन क्वेश्चन है ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप पे बेस्ड हैं, तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। इसका जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो हम एक्सप्लेन करेंगे जब हमारा इसी का थर्ड वीडियो आएगा थर्मल एक्सपेंशन पे, तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी इसके आंसर देख लीजिए, तो ये थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड होता है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप आर एम्प्लॉयड इन, तो वो क्या आती है, मेटल एक्सपेंशन होता है उससे, ये मेटल एक्सपेंशन थर्मामीटर इसको बोला जाता है, ठीक है। मेटेलिक स्ट्रिप कंटेन्स, तो इसमें यूज़ करते हैं येलो ब्रास, ये सारे चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगे आपको थर्मल एक्सपेंशन का जो थर्ड वीडियो आएगा। और विच इज वाई इज इनवर यूज इन बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स, तो वो उसका जो रीजन होता है वही होता है कि वो लो कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन की वजह से यूज़ करते हैं। अब इसका पूरा बाई मेटेलिक स्ट्रिप का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं, तो वहाँ अच्छे से आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अभी के लिए आप आंसर्स देख लो, बाई मेटेलिक स्ट्रिप किस पे बेस्ड होती है, तो वो थर्मल एक्सपेंशन पे या मेटल एक्सपेंशन पे, दो अलग अलग मेटल अलग अलग एक्सपेंशन कोफिशियंट के यूज़ किए जाते हैं एक में, इसको नेक्स्ट में ही हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पायरोमीटर के बेस्ड होंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर ये डिफाइन दिस, तो वो पायरोमेट्री होती है। पायरोमेट्री बेसिकली हम क्या करते हैं कि बहुत ही एलिवेटेड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, जैसे कि सन का टेम्परेचर हो गया, या किसी ब्लैक बॉडी का हो गया, या किसी ऐसे फर्नेस का हो रहा है जहाँ की बहुत हाई टेम्परेचर है, लगभग 5000 से लेके अबव टेम्परेचर जो मेज़र करते हैं वो हम किससे करते हैं, पायरोमीटर से। तो पायरोमीटर के इसके बाद 3-4 सवाल हैं, तो पायरोमीटर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, इसका वर्किंग भी आपको क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड विथ, तो रेडिएशन थर्मोमीटर, इसी को भी हम क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। अब इसका जो वर्किंग है नेक्स्ट में, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पायरोमीटर है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, आंसर क्या है, पायरोमीटर, ये पायरोमीटर है। तो पायरोमीटर में होता क्या है कि जब कोई बहुत हॉट बॉडी होती है, तो ये पायरोमीटर देख रहे होंगे आपका, ये फ्रंट व्यू दिखाया गया, और इसमें एक लेंस लगा होता है। तो ये लेंस का क्या करता है, इसकी फोकल लेंथ पे एक ब्लैक बॉडी, छोटी सी ब्लैक बॉडी रखी जाती है, ठीक है। अब आप स्टीफन लॉ पढ़े होंगे, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर सिग्मा, जो हीट इसमें ट्रांसफर होती है, सिग्मा ए T^4, ये होती है इसमें हीट ट्रांसफर। ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करेंगे, हीट ट्रांसफर। तो क्या होगा कि ये जो यहाँ से सारी रेज आ रही होती हैं, यहाँ से बेसिकली क्या होता है, ये रेडिएशन के फॉर्म में ये एनर्जी आती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस पे इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, और इस फोकस पे ब्लैक बॉडी रखी है, तो इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इस बॉडी के टेम्परेचर के
क्योंकि ये बहुत छोटी है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये ऑलमोस्ट इसी के टेम्परेचर के इक्वली इंक्रीज कर जाता है यहाँ का भी टेम्परेचर, फिर इस बॉडी का टेम्परेचर, छोटी वाली बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर कर लेते हैं। अब है क्या यहाँ पे कि ये जो बॉडी है ये एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, और उस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है बिना कॉन्टैक्ट हम मेजर कर लिए, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिना कॉन्टैक्ट हम मेजर कर लिए किससे, पायरोमीटर से। तो ये है पायरोमीटर की वर्किंग, पायरोमीटर की ये वर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, सिंपल हाइग्रोमीटर। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर में, थर्मामीटर प्रॉपर्टी क्या होती है ये पहले ही बता चुके हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मामीटर जनरली मेक्स यूज ऑफ, तो ये जो थर्मामीटर होता है ठीक है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, उसमें क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज ये होता है इस तरह की अरेंजमेंट आप देख रहे हो, तो ये रेजिस्टेंस अगर R1 और RX, ये इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल अगर सेम हो जाए, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 1 है, तो ये दोनों में का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 6, तो इसमें से करंट पास नहीं करती, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं हम किसमें, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। विच ऑफ दीज मटेरियल इज नॉट यूज फॉर रेजिस्टेंस कॉइल, तो टाइटेनियम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है, बाकी सारे यूज किए जाते हैं ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेस्ड हैं आपके थर्मोकपल पे। तो थर्मोकपल पहला क्वेश्चन है कि थर्मोकपल जो है वो किस पे बेस्ड होता है, तो ये सी बैक इफेक्ट होता है। सी बैक इफेक्ट, सी बैक ने इसको एक्सप्लेन किया था, वो देखें कि एक हॉट टेम्परेचर होता है एक कोल्ड टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में दो मेटल लगाए जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो बहुत ही रैपिडली चेंज होता है। जैसे ही एक बॉडी को हॉट और एक कोल्ड, ऐसे अगर हम एक्सप्लेन करें, यहाँ हॉट वाटर ले लें, कोल्ड वाटर, और दोनों को मेटल से ऐसे कनेक्ट कर दें, तो यहाँ हॉट और कोल्ड ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं थर्मोकपल में। ये वी जो वोल्ट देख रहे हैं ये एक ईएमएफ डेवलप हुआ है इन दोनों के बीच, तो ये सी बैक इफेक्ट पे बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्मोमीटर दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर मेजरिंग रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर इज, टू कौन सा होता है, थर्मोकपल, क्योंकि जैसे ही हम इन दोनों के बीच के टेम्परेचर में चेंज लाएंगे तो ईएमएफ इंस्टेंटली इंड्यूस होता है या चेंज कर लेता है। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो ईएमएफ इंक्रीज कर जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर कम किया तुरंत ईएमएफ क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो ये रैपिड चेंज के लिए क्या यूज़ करते हैं, थर्मोकपल। नेक्स्ट, थर्मोकपल का एक रेंज पूछा हुआ है तो वो आप याद कर लो, -200 to 1500, कई जगह ये 250 से 2300 लिखा हुआ है ठीक है थर्मोकपल का। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन से जो आपके इंडस्ट्रीज में ये थर्मोमीटर्स यूज होते हैं, तो इस परस्पेक्टिव से ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जितने भी एमसीक्यू थे। तो ये आपके टेम्परेचर और थर्मामीटर से इतने ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 31 लिया है लेकिन एक्सप्लेनेशन हमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का कर दिया है। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपनी प्रिपरेशन को गियर अप कीजिए। बाकी 500 एमसीक्यू की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसके बाद लिवर्स एंड मशीन्स के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपको एग्जांपल करने को भी मिल रहा है। तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना, लिवर्स कितने टाइप के होते हैं, क्लास 1 क्लास 2, फिर इंक्लाइंड प्लेन पे किस तरह से हम मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, और एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो होती है। अगर एफिशिएंसी किसी की कम है तो मैकेनिकल एडवांटेज, ये बेसिकली। और आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दें कि ICSE बोर्ड का सिलेबस है सिंपल मशीन्स एंड लिवर्स, तो आप ICSE बोर्ड की बुक भी रेफर कर सकते हो फिजिक्स की, ये चैप्टर पढ़ने के लिए लिवर्स एंड मशीन्स।
तो इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट आपको जो वीडियो मिलने वाली है वो उसमें क्या होगी, हीट और हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये सारे एमसीक्यू मिलने वाले हैं, 50 से 60 एमसीक्यू इस पे होंगे। फिर नेक्स्ट लिवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली गई, धीरे धीरे अपलोड करी जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एवरीवन।